तो भाई लोग ये है अपना वृंदावन का मेन गेट, मेरा वृंदावन भाड़ा भाई। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, देना भी निकलते हैं और मैं आपको हर एक चीज का अपडेट देता रहूँगा सारा कुछ। हाँ भाई, तो भाई लोग अभी हम मथुरा से निकलने के बाद अभी हम आ चुके हैं गोवर्धन, जो कि अभी गोवर्धन की जो बड़ी वाली परिक्रमा होती है उसको लगाएंगे, जिसे बोलते हैं 7 कोस की, लगभग 21-22 किलोमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, तो अभी हमारी परिक्रमा आगे से स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होगी वहाँ से, मैं बताऊँगा कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी। ठीक है, सारा कुछ, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ही हम 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के बाद आते हैं। वहाँ से जब भी हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको टाइम भी बताऊँगा और देन उसके बाद सारा कुछ बताऊँगा कितना टाइम लगा हमें देने में परिक्रमा वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और अभी रात का टाइम हो रहा है, टाइम भी कितना हो गया भाई, फोन में देख रहा हूँ, तो मैं फ़ोन में चेक करता हूँ, क्योंकि घड़ी में ना आज जो नदी में हम लोग नहाए थे ना, पानी वगैरह भर गया तो वो ख़राब हो ये हो गया, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी देख सकते हो आप 23:11 हो रहे हैं, तो 11:11 हो रही हैं, नहीं 11:11 हो रही हैं अभी। तो अभी हमारी परिक्रमा को चालू होने तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है सारा कुछ, तो बने रहो साथ में और आपको भी परिक्रमा करवाते हैं। और आप लोगों को बता दूं यार, हो सकता है ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट में डालूंगा, जैसा भी आप कंटिन्यू करके देख लेना, और मैं डेली डाल दूंगा, एक दिन का गैप देके, एक दिन का नहीं, ऐसे आज डाला कल डाला परसों, मैंने रेगुलर में कोई टाइम शेड्यूल पर तीनों को अपलोड करने के बाद उस पर डाल दूंगा प्रीमियम पे, तो आपको वहाँ पे शो भी होने लग जाएंगे। ठीक है, तो भाई लोग अभी हम लोगों ने अपने बैग और चप्पल वगैरह जो भी बिस्कुट वगैरह थे जूते, हाँ भाई, तो भाई लोग अभी हमारी थोड़ी सी दूर से आगे परिक्रमा चालू होगी। ठीक है, तो मैं हाँ तो अभी आगे से होगी, वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और हम टाइम भी लगाएंगे कितना क्या टाइम लगेगा, देन उसके बाद चलेंगे और देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा परिक्रमा में, क्योंकि और आप लोगों को बता दूँ ये वाली परिक्रमा ना मेरी फर्स्ट परिक्रमा है, पहले भी परिक्रमा में कभी नहीं आया हूँ। वैसे मथुरा वृंदावन तो आना जाना बना रहता है, लेकिन परिक्रमा में ज़्यादातर नहीं आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बोल भाई लोग, ये परिक्रमा दानघाटी से स्टार्ट होगी और आधी खत्म हो जाएगी 11-12 किलोमीटर पर। तो अभी हम लोग निकलते हैं, ठीक है, और कैसा क्या सीन रहता है सारा कुछ व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं परिक्रमा का एक्सपीरियंस लेते हैं भगवान के दरबार में, तो होप करते हैं कि अच्छा ही होगा, तो बने रहो। तो गाइस आप ये देख रहे हो, यहाँ से अपनी गोवर्धन परिक्रमा होती है, गोवर्धन तीर्थ यात्रा और दान घाटी मंदिर, बड़ी परिक्रमा यहाँ से अपनी प्रारंभ होती है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे और चलते हैं सारा कुछ और बताते हैं। ठीक है, A to Z अभी यहाँ से बढ़िया राधा रानी का नाम लेने के बाद अभी हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहो। तो भाई लोग, ये वाला जो मंदिर है जिसे बोलते हैं दान घाटी का मंदिर, यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू होती है, यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद परिक्रमा शुरू करते हैं। ठीक है, उस वाले मंदिर से और निकलते हैं बाहर के लिए। पहले अभी जो मंदिर है हम सारा कुछ इसको घूमेंगे, देन उसके बाद शुरुआत करेंगे। ठीक है, सारा कुछ राधा रानी का मंदिर है। दादाजी ये देख सकते हो, ये बड़ी परिक्रमा और ये कौन सा वाला मंदिर, ये दान घाटी मंदिर, यहाँ से परिक्रमा चालू होती है बड़ी परिक्रमा। ठीक है, और जो कि रास्ता जा रहा है यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो अभी हम परिक्रमा में स्टार्ट करने वाले हैं सारा कुछ, तो आप ये लोग जो कि ये है रेलिंग वगैरह लगी, तो अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि लोग इस तरीके से दंड बैठक भी लगाते हैं यहाँ पे, तो अपनी यहाँ से परिक्रमा हो जाती है चालू, जो है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ये लगा सकते हैं, शुरुआत ऐसी होती है यहाँ से। तो देन और आप आगे बने रहो, जो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, तो भाई लोग हमारी परिक्रमा यहाँ से चालू हो चुकी है। भाई टाइम बता कितना टाइम हो गया, 11:38 हो रहे हैं, टाइम देख सकते हो कितना हो गया, 11:38 हो गए। तो अभी हमने पूरा टाइमर लगा दिया है, देन अभी देखते हैं कितने क्या टाइम में हमारी परिक्रमा खत्म होती है, जैसी भी खत्म होगी और वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो शक्ल वगैरह नहीं देखेंगे कोई ना, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं और परिक्रमा में आगे के लिए बढ़ते हैं, सारा कुछ चीज़ें हम बताते चलेंगे। ठीक है, और बोलते रहिए राधे राधे।
होते हैं, बहुत ठंडे लोग होते हैं वो तो भाई लोग ये आप देख सकते हो, ज़्यादा उजाला नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान की सीमा समाप्त हो चुकी है, सॉरी यूपी की सीमा समाप्त हो चुकी है। और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया जियो वाला, जियो का जो समय है कि यूपी की सीमा समाप्त और राजस्थान की शुरू हो गई। तो अभी ये देखते हैं, लेकिन मैं बंद कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे कॉपीराइट आ सकता है सॉन्ग बज रहा। तो गाइस अभी हम लोगों को एक घंटा हो गया परिक्रमा देते हुए, और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बोर्ड दिखाया था जिसमें था कि यूपी की सीमा समाप्त, लेकिन ये नहीं लिखा था कि राजस्थान की सीमा इसमें लग चुकी है। लेकिन तुरंत मेरे जियो वाले नंबर पर नोटिफिकेशन आता है कि अब आप वेलकम टू राजस्थान, ऐसा कुछ करके जो आता है ना वो। तो भाई मैंने देखा चलो चलो दो प्रांतों में घूम लेते हैं इसी के सारे, यार फिर भी सॉन्ग बज रहा है तो भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा और आगे चल के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो एक सेकंड अभी मैं इसका थोड़ा लाइट बढ़ा दूँ। तो भाई लोग अभी जो हम चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बात ना अधूरी रह गई थी कि यूपी के बाद जो सीमा लगती है वो है एमपी में, तो सॉरी यार राजस्थान। तो अभी हम जो प्रेजेंट में चल रहे हैं अभी राजस्थान में जा रहे हैं, ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया था, नोटिफिकेशन मिला था। देन अभी चलते हैं और देखते हैं राजस्थान की सीमा कितनी होगी भाई यहाँ से, यहाँ से। और राजस्थान का जो एक पुलिस चौकी है जो कि पूंछरी के नाम से पड़ती है, तो उधर में एक पुलिस चौकी है, अभी पूंछरी वाले एरिया में चल रहे हैं। हाँ तो अभी हम पूंछरी करके उसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो देन अभी इसको ख़त्म होती है अपना यूपी लग जाएगा, तो अभी इसके बाद यूपी लग जाएगा, जैसे यूपी लगेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। लेकिन भाई मज़ा बहुत आ रहा है परिक्रमा करने में, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पैदल है, नंगे पैर जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं, बस चलते जा रहे हैं। डंबल का है और थोड़ी बहुत इसमें कंक्रीट वाली गिट्टी वगैरह भी है, जो अगर तुम इस वाले एरिया में चलते हो डंबल वाले में तो थोड़ी सी कंक्रीट वगैरह मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इधर में देखो ए वाली इस वाली साइड में जाओगे तो वो कच्चा वाला है, लेकिन थोड़े बहुत ककड़े उसमें भी हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसमें भी अपना पैर वगैरह का सीन वगैरह रहता है सारा कुछ, तो वो आप लोग देख लेना कैसे क्या मैंने, या फिर एक स्लीपर वगैरह होती है जो कि, तो सॉरी गाइस मेरी बात ना अधूरी रह गई थी, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला था जो सड़क के बारे में। तभी जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं तो एक कोई डंबल वाला है, एक कंक्रीट गिट्टी वाला सड़क है, ठीक है, तो इस पर अगर आपके पैरों का एक्सपीरियंस रहेगा तो उतनी ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है, थोड़े बहुत ककड़े हैं पैर वगैरह वो आपके लगेंगे, लेकिन साइड में ही इन लोगों ने एक मिट्टी जो कि कच्चा रास्ता है जो कि कंक्रीट वाला बना के रखा हुआ है, तो उस पर भी आप चल सकते हो जो कि साइड में। लेकिन मुझे कुछ दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, दोनों चीज़ें हैं जो नॉर्मल ही हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बने रहो साथ में। और अभी मैं आपको बता दूँ अभी भी हम राजस्थान की सीमा में चल रहे हैं, ठीक है, तो राजस्थान की सीमा में चल रहे हैं, लेते हैं राजस्थान का मज़ा और उसके बाद फिर जाएंगे यूपी में, तो देख लो पल पल पर। और चलो हमारा तो भाई सीन चलता है, हमें तो दो कदम रखने हैं, ये उसकी सीमा है उसकी सीमा, लेकिन पता है सीन कहाँ पर होता है, सिम वालों को परेशान होना पड़ रहा है कि भाई इनका क्या सीन चल रहा है, उनको मैसेज करना पड़ रहा है बार बार, अभी हम इसमें आ गए अभी हम उसमें आ गए, कोई ना चलते हैं भाई, तो चले रहो। तो भाई लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जो कभी चाय चाय को लेने के बाद अभी थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, एक डेढ़ घंटा वे चलते चलते, तो इसको पीने के बाद फिर से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, उसके बाद हम चलेंगे। और जो चाय मिली है देखो, एक तो है दुकान, लेकिन हमने इससे नहीं ली, दुकान से वो लिया ना फॉर्म, तो भंडारा चल रहा है चाय का, वो काम वाला नहीं हुई ना, हम उसमें से चाय लेके आए हैं भंडारे वाली, इसको पीने के बाद चलते हैं। तो भाई लोग ये वाला मंदिर पड़ता है अपना राजस्थान श्री मंदिर पूंछरी कलौठा के नाम से, तो जो कि अपनी राजस्थान की सीमा में पड़ता है इस प्रकार से, तो जिसका भी तो यहाँ पर भी दर्शक जो भी परिक्रमा वगैरह करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर रुक के जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे चीज़ें भी जा रहे हैं यहाँ से जो कि श्रद्धालु सारे सारे आते हैं सारा कुछ, तो और चलते आगे। तो भाई लोग अभी हमने थोड़ा सा परिक्रमा से थोड़ा सा टर्न लिया है, तो भाई अभी कौन सा मंदिर है, मुखार बिंदु करके एक मंदिर है, तो अभी हम जाते हैं उस पर भगवान के दर्शन करते हैं। जैसा भी अभी यहाँ से पास में ही होगा मंदिर, तो पहुँचने के बाद दर्शन करते हैं भगवान के।
बाद सीन बनाते हैं, फिर से हमें रिटर्न आना पड़ेगा। और तो ऐसे इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, निकल जाएंगे आगे से। हाँ, आगे से यू टर्न होगा तो वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे दर्शन करने के। तो बने रहो आप साथ में। तो भाई लोग, अभी हम इस वाले मंदिर पा चुके हैं जो कि आप ये नाम देख रहे होंगे, मुखार बिंद के नाम से जो पहली प्रतिमा में आता है, आप देख सकते हो जो कि फर्स्ट वाली प्रतिमा होती है बड़ी वाली, इसमें आता है मुखार बिंद का। बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पर जो भगवान की प्रसादी का भोग करता है, कुछ भी आप मिठाई जलेबी हुई पेड़ा हुई कुछ भी आप लगा सकते हो सारा। तो अभी हम आगे के लिए बढ़ते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है, ठीक है, चलते हैं।